इन द फोर्थ पार्ट थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज मॉड ई मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव। तो हमारा फंक्शन ऐसा है जो मॉड में है, और हमें पता है मॉड वाला फंक्शन या तो नेगेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमें पता है मॉड से वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। अगर तो हमारी वैल्यू एक्स की लेस देन फाइव होगी, ठीक है, लेस देन फाइव हुई इसका मतलब फोर है लेट से, यहाँ पे फोर सब्सिट्यूट किया तो फोर माइनस फाइव मॉड बनेगा, माइनस वन इज द, तो मॉड लोगे इसका तो पॉजिटिव वन हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा हमारा, फाइव माइनस एक्स वुड बी द। और अगर आपके पास दूसरी तरीके से आता है, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स माइनस फाइव का बन जाएगा। सो लेट से कि हमारे पास तीन केसेस हैं। एक केस क्या हो सकता है कि एक्स तो फाइव के इक्वल है, फर्स्ट केस वी हैव इज कि एक्स हमारा फाइव के इक्वल है, दूसरा बनेगा एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, तीसरा बनेगा हमारा एक्स इज लेस देन फाइव। तो जब एक्स इज इक्वल टू फाइव है तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, एक्स माइनस फाइव वाला फंक्शन लिया जाएगा। कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम इसकी, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी एंड राइट हैंड लिमिट लगेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, फाइव माइनस एच इज कंसिडर, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू फाइव माइनस ऑफ द फंक्शन। सो फाइव माइनस पुट करना है ना हमें, तो एक्स की जगह फाइव माइनस पुट करोगे, यू हैव इज फाइव माइनस एच माइनस फाइव, फाइव से फाइव गया, हमारे पास क्या बनता है, माइनस एच, मॉड का माइनस एच। सो मॉड ऑफ माइनस एच इज एच ओनली, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आती है, इट वुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि लिमिट एच की क्या कर रही होती है, इट टेंड्स टू जीरो, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी वुड बी यूजिंग द अदर पार्ट, राइट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या यूज करना है, फाइव प्लस एच वी वुड बी अप्लाइंग, ठीक है। तो फाइव प्लस एच अप्लाई करोगे तो उस केस में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में फाइव प्लस एच है ना, तो फंक्शन में फाइव प्लस एच सब्सिट्यूट करेंगे, देन माइनस फाइव इज द मॉड क्लोज, फाइव से फाइव गया, हमारे पास एच मॉड बनता है, तो एच मॉड बनेगा एंड लिमिट इज टेंडिंग टू जीरो, सो इट विल बिकम जीरो। तो बोथ साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू फाइव। और वैसे भी आप चेक कर सकते हो कि एफ ऑफ फाइव हमारा क्या जीरो बन रहा है, तो यस इट इज बिकमिंग जीरो ओनली, सो वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू फाइव। अब हमारा बनता है दूसरा वाला केस, विच वी नो एज क्या है, एक्स इज लेस देन फाइव। तो अगर एक्स लेस देन फाइव है तो फंक्शन क्या है हमारा, इट इज फाइव माइनस एक्स, देखो ये वाला लेस देन फाइव के लिए फंक्शन इज फाइव माइनस एक्स, एंड सिंस दिस इज अ पॉलिनॉमियल इट इज कंटिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट लगा लो और राइट हैंड लिमिट लगा लो, यू कैन डायरेक्टली राइट कि एज दिस इज अ पॉलिनॉमियल, तो हमारा फंक्शन क्या है, इट इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस एट एक्स लेस देन फाइव। थर्ड केस में भी यही है, थर्ड केस में हमारा पार्ट क्या है, इन द थर्ड पार्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि हमें क्या कंसिडर करना है, थर्ड पार्ट में एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, तो ग्रेटर देन फाइव है इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज एक्स माइनस फाइव। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंस यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा ये फिर से पॉलिनॉमियल है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, क्योंकि चेक करोगे तब भी कंटिन्यूटी आएगी सारे पॉइंट्स पे, एंड एक्स वुड बिलोंग टू आर। सो हेयर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंगिंग टू आर। सब जगह हमने कंटिन्यूटी इसकी चेक कर ली, लेस देन पे भी कर ली, इक्वल टू पे भी कर ली, ग्रेटर देन पे भी कर ली।